नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आई में आज हम लोग अफ्रीका के ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं अफ्रीका में एक देश है चैड तो हम लोग यहां पे चैड की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं तो दिस गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन फॉर यू यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जानने के लिए मिलेंगे स्पेशली अफ्रीका से जुड़े हुए अफ्रीकन कंट्रीज में इतना ज्यादा वॉयलेंस क्यों चलता है इतनी क्लैशेस क्यों होती है यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे न्यो कॉलोनिज्म या फिर न्यू इंपीरियलिज्म क्योंकि यहाँ पे क्लासिक एग्जांपल आपको मिलेगा हाउ न्यो इंपीरियलिज्म और न्यो कॉलोनिज्म इज स्टिल प्रेजेंट इन अफ्रीका तो इन सब चीजों के ऊपर आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉ जोग्रफी पर्स्पेटिव ऑल्सो यू टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम चैट एंड द जोग्रफी ऑफ आफ्रिका सो स्टेट यूड विथ मी बिकॉज यू गुड गेट वेरी गुड इन्फॉर्मेशन इियर आई एम योर फ्रेंड राहुल साहगवकर इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी यू कैन फॉलो मी ऑन द आइडियज एट आज गिवन हियर एंड इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर यूपीएस सिविल सर्विसि एग्जामनेशन विच गिवस यू एंट्री टू ए लीड आई एस एंड आई पी एस यू हैव अ व व व व व व व व व वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फ्रॉम योर होम सेफली ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ पैंडेमिक जस्ट go through the smart course which we have created for you visit studyiq.com to get more details because there is lot of information here prelims content mains content essay writing so many things are available here just go and avail these services चलिए बात करते हैं खबर के बारे में देखिए चैड के जो प्रेसिडेंट थे इद्रिस डेबी इतनो ही सकम यानी कि उनकी डेथ हो गई अप्रैल 20 2021 को जब वो विजिट कर रहे थे नदन चैड और सदन लीबिया हम लोग बात करेंगे मैप मैं आपको आप थोड़ी देर में दिखाऊंगा क्योंकि वहां पे एक अटैक हुआ बाय वन ऑफ द रिबेल ग्रुप्स और ही दैट ही इंजुरी अब इसके बाद क्या हुआ जैसे ही एक लीडर की मृत्यु होती है उसके बाद पावर स्ट्रगल जरूर चलती है एक पोलिटिकल वैक्यूम टाइप का एक सिनारियो जरूर बन जाता है लेकिन यहां पर क्या हुआ इमीडिएटली इंद्रज देवी इतनो की डेथ के बाद ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल ने टेक ओवर किया और इस ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल ने क्या किया डेबी के जो बेटे हैं थर्टी सेवन ईयर ओल्ड मोहम्मद इदरिस डेबी और डेबी जूनियर नोन एज काका इनको कमान संभाल दी नाउ ही इज द लीडर और इसको कहा गया कि ट्रांजिशनल गवर्नमेंट रहेगी विल बी देयर फॉर एटीन मंथ्स अब आगे वाला जो भी पॉलिटिकल डिसीजन होगा तो अठारह महीनों के बाद पता चलेगा लेकिन अगर हम लोग टेक्निकली चैड के संविधान की बात करें चैड के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर डेबी इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज इज स्पीकर जो है पार्लियामेंट हैव टेकन ओवर मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया और मिलिट्री ने डेबी के बेटे को प्रेसिडेंट बनाया हुआ अभी अब इसके बाद इन चैड तो हम लोग इस डिस्कशन में बात करेंगे जो डेबी जूनियर है उनके सामने क्या चैलेंजेस है एट द एंड ऑफ डिस्कशन लेकिन हम लोग बात करने वाले चैड एज कंट्री के बारे में इद्रिस इतनों के रूल के में क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पेक्यूलियर चीज देखने को मिलेगी विच यू कैन लर्न एंड कंपेयर इट विद अदर अफ्रीकन कंट्रीज तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं right? यहां पे आप थोड़ा सा जॉग्राफी मैपिंग कीजिए एंड हुबर डू रिमेबर क्योंकि एग्जाम पर थिंग विच इज ए न्यूज उसके ऊपर सवाल बन जाते हैं फ्रॉम है, एक छोटी सी जगह यहां पे लेक चैड तो को लग के कौन सी, कौन सी से? आपको याद रखना है नाइजर नाइजीरिया एंड कैमरून ऑल थ्री आर नेबर्स टू लेक चैड तो लेक चैड कंट्रीज किने कहते हैं चार कंट्रीज है लेक चैड कंट्रीज आर चैड नाइजर नाइजीरिया एंड कैमरून सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर फॉर यू अब मैंने आपसे कहा था कि हम लोग न्यू कॉलोनिज्म के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस डिस्कशन में आपको एक चीज ध्यान देनी है ये है का और ये है का है अफ्रीका अफ्रीका का का मैप मैप और 1914 में मैंने आपको क्यों दिखाया क्योंकि कि किस तरह से यहां पे ने अफ्रीका को डिवाइड किया था अपने बीच देखिए ये जो रीजन है पिंक रीजन दिस बिलोंग टू फ्रांस तो इसीलिए फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका कहते हैं और अगर आप यहाँ पे देखिए चैड लेक चैड के आसपास चैड कंट्री वॉज अंडर द फ्रेंच ऑक्युपेशन और अभी भी चैड में फ्रांस का काफी दबदबा चलता है दैट इज आई शोड यू दिस दिस पर्टिकुलर मैप अगर आप दूसरे देखिए देखिए द ब्रिटिश रीजन इफ़ यू सी दिस द रीजन सो बहुत सारे दूसरे पावर्स जैसे जर्मनी भी इन्वॉल्व था यहाँ पे जर्मन के ये एरियाज थे देखिए जर्मन ईस्ट अफ्रीका जर्मन वेस्ट अफ्रीका एंड नमेरून तो बहुत सारे कोलोनाइजर्स ने अफ्रीका को डिवाइड किया हुआ था तो यहाँ पे जब हम लोग चैड की बात करते हैं यहां पे कोलोनाइजर कौन था यहाँ पे कोलोनाइजर था, था? फ्रांस

इतनी बार लड़ सकता है दो बार यानी कि खुद के लिए उन्होंने उन्होंने दो टर्म रखे आगे चल इस बार का तो इलेक्शन जीता था। यानी कि 2027 तक ही अगर अगला इलेक्शन भी जीतते तो राइट बट सडनली डेथ गई बिकॉज ऑफ रिबेल ग्रुप अटैक एंड इवेंचुअली टू दीज लेकिन डेबी के अगर रूल के बारे में बात करें देखिए चैड के पास काफी ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है लैंड लॉक कंट्री है यस yes, उनके पास ऑयल है गोल्ड है यूरेनियम है इन सब के बावजूद वो इकोनॉमिकली या सोशली डेवलप नहीं है अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं देखिए इन जनरल अ कॉमन रीजन फॉर ऑल अफ्रीकन कंट्रीज इज द एथनिक डिवीजन जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे लेकिन यहाँ पे पोलिटिकल प्रॉब्लम भी रही है क्योंकि चैड हैज बीन कंटिन्यूसली रूल्ड बाई डिक्टेटर्स पहले हिसे ने हाबरे एंड देन एड्रिस्ट डे इटनो इड्रिसबी इटनो का जो भी रूल रहा है इट हैज बीन वेरी वेरी उनके बेटों को उनके बेटियों को रिलेटिविटिकल पोस्ट दी हुई थी इनफैक्ट अगर हम लोग डेबी के रूल के बारे में बात करेंगे ऑलमोस्ट तीस साल तक वो रूल कर चुके हैं चैड के ऊपर तीस सालों में चैड का एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बड़ा नहीं है अगर हम लोग टू थाउजेंड नाइनटीन के एच डी आई के बारे में बात करें वन एटी नाइन कंट्रीज में वन एटी सेवन रैंक था चैड का

रहते हैं तो यहां पर काफी ज्यादा एथनिक डिवर्सिटी है सोशल कॉम्प्लेक्सिटी है तो लड़ाई अब बहुत हो चुकी है अब इन लड़ाईओं को रोकने के लिए कंटिन्यूसली डेबी ने मिलिट्री की ओर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की हुई अब नॉट जस्ट चैड और चैड गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व क्योंकि बहुत बार सिचुएशन इतनी ज्यादा वोलाटाइल हो जाती है क्योंकि चैड में एथनिक प्रॉब्लम्स चल रही है लड़ाइए चल रही है और चैड के जो नेबर्स है वहां पर भी प्रॉब्लम चल रही है और अगर आप अफ्रीका के मैप को देखें तो यहां पर दिस पर्टिकुलर रीजन इज इन्फेस्टेड बाई टेररिज्म ऑल्सो हम लोग बात कर सकते हैं बोको हराम की आंसर डीने की हम लोग बात कर सकते हैं अल कैदा की तो दिस एरिया इज वेरी मच इन्फेस्टेड बाय टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म ऑल्सो तो इन सब के चलते क्या हुआ है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है चैड में तो फ्रांस जो उनका पहले कॉलोनाइजर रह चुका है वो यहां पे इन्वॉल्व हो चुके हैं यहां पे स्टेबिलिटी लाने के लिए और यहां पे रूल रूल करने के 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 लिए इनफैक्ट अगर हम लोग की बात करें तो के रूल के दौरान भी फ्रांस ने बहुत बार इन्वॉल्वमेंट की है चैड के अंदर एज लेटली एज फेब्री टू जब उन्होंने डेबी की सरकार को बचाया था अपने मिराज 2000 प्लेन्स भेजे जहां पे उन्होंने एयर स्ट्राइक्स कैरी किए हुए थे इन चैड रीजन बेसिकली के साथ रिश्ते बरकरार रखते हो अभी भी यहां पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है यू डो नॉट सी दिस विथ इंडिया देखिए इंडिया में एक कॉलोनी रह चुकी है ब्रिटिश की लेकिन क्या ब्रिटिश का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट रहा है इंडिया में नो बट आफ्रीका में दिस वेरी वेरी पेक्युलर सिटुएशन अब सवाल ये उठता है कि इद्रिस डेबी एटनो जो खुद एक ऑटोक्रेट है खुद एक डिक्टेटर है जिन्होंने सोशली डेवलप नहीं किया है को जिन्होंने इकोनॉमिकली डेवलप नहीं right लड़ाई है तो फ्रांस ने डेबी को क्यों प्रेफर किया डेबी को कंटिन्यूसली पिछले तीस सालों से सपोर्ट क्यों करते हुए आ रहे जब यहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है यहां पे कोई ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन नहीं है यहां पे तो इन सबके बावजूद फ्रांस ने डेबी की मदद क्यों की देखिए इसका जवाब कहां पे इसका जवाब है डेबी की मिलिट्री बैकग्राउंड में हम जानते हैं कि डिसमल इकोनॉमिक right लेकिन उसके बावजूद में क्या हुआ है ने बहुत बड़ा शेयर जो बजट का होता है थर्टी परसेंट ऑफ द बजट गॉन टुवर्ड्स डिफेंस अब क्यों लड़ाई हो रही है एथनिक वॉर्स हो रहे हैं और यहां पर टेरिज्म का भी थ्रेट है बोको हराम और आंसर डीने को इनफैक्ट Chad ने न्यूट्रलाइज किया है also, areas, like Mali, की, की, right, की, और दूसरी तरफ डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता है चैड में डिक्टेटर को सपोर्ट किया अगर फ्रांस की बात करें फ्रांस इज करेंटली सपोर्ट करे या ना करें अगर फ्रांस की बात करें देखिए पांच हजार ट्रूप अभी भी चैड में है उन्होंने चैड को काफी ज्यादा मिलिट्री सप्लाई किया हुआ है आर्म्स एंड एंटी इसके ऑपरेशन चैड ने पहले भी cooperate किया हुआ है France के साथ. दो सिविल वॉर चल रहा था 2011 में 2013 में उन्होंने फ्रांस को सपोर्ट किया उन्होंने अपने ट्रूप्स को भेजे 2000 हजार चैड के फोर्सेस को भेजा डेबी ने ताकि वो लड़े माली में अगेंस्ट दल कैदा फाइटर्स तो फ्रांस इज वेरी मच हियर इन चैड क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ न्यो कॉलोनिज्म एंड न्यो इम्परिज्म हाउ दॉलोनाइजर स्टिल कॉन्टैक्ट और स्टिल में वेरी गुड कॉन्टैक्ट विद कॉलोनी ताकि वो अभी भी डिपेंडेंट रहे देखिए मिलिटेली तो डिपेंडेंट ही इकोनॉमिकली भी बहुत हद तक चैड डिपेंडेंट है फ्रांस के ऊपर अभी भी राइट right? अब अगर बा, बात करें फ्रांस क्यों इस दुविधा में फंसा हुआ है क्योंकि अगर चैड की बात करें देखिए चैड एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है काउंटर टेरिज्मीलिए उन्होंने डेबी के रूल को भी प्रोलॉन्ग किया

साहेल टास्क फोर्स जिसमें फासो है नाइजर है है और माली भी है इनफैक्ट इनको केवल सपोर्ट फ्रांस का नहीं है ये साहेल टास्क फोर्स है 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 इनको यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट सपोर्ट करता करता नेशंस तक यूरोपियन यूनियन तक सपोर्ट करता है अगेंस्ट एंटी टेरर एक्टिविटीज दैट इज टेर डेबीज रूल वॉज प्रोलॉन्ग लेट मी जस्ट स्टॉप हियर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन जोग्राफी की से साहेल की बात की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वॉट इज दिस साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका एंड ऑल्सो टेलमी अबाउट फ्रॉम जोग्राफी परसपेक्टिव हम लोगों ने बात की थी साहेल के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वॉट इज द साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका ऑल्सो टेल मी व्हाट इज दागरेब रीजन ऑफ आफ्रीका तो प्लीज प्रिपेयर दिस, दिस फ्रॉम प्रलिप्स पॉइंट ऑफ चलिए डिस्कशन पे वापस चलते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या स्टेब्लिश किया कि चैड में गवर्नमेंट इज ऑटोक्रेटिक डेबी का रूल चल रहा था और उनको सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस क्यों क्योंकि डेबी हैड सपोर्टेड फ्रांस इन काउंटर टेरर लेकिन अब अगर हम लोग बात करें चैड में हुआ क्या है डेबी की डेथ हो चुकी है तो यहां पे प्रॉब्लम भी शुरू हो चुकी है व्हाट नेक्स्ट इज जैसे कि जैसे ही लीडर की डेथ हो जाती है तो देर इज अ पॉलिटिकल वैक्यूम देर इज अ फाइट फॉर लीडरशिप ऑल दो ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल ने डेबी जूनियर को प्रेसिडेंट घोषित किया हुआ है लेकिन चैड में फैमिली फ्यूड छिड़ चुका है

ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल का तो इसमें मिलिट्री भी इन्वॉल्व है इनकी खुद की फैमिली के लोग पावर की ग्रैबिंग में लगे हुए तो डेबी जूनियर के सामने दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सबसे पहले तो पॉलिटिकल कैसे ये लोग रोकेंगे कैसे हाउ गवर्नेंस गवर्नेस बी प्रोवाइडेड इन चैट बिकॉज अपोजिशन आस्किंग फॉर इलेक्शन सिविल सोसाइटीज आस्किंग फॉर इलेक्शन और जो फैक्ट रिबेल ग्रुप है फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉन्ड इन चैट जिन्होंने अटैक किया था डेबी के ऊपर जिसकी इंजुरी की वजह से वो इवेंचुअली ही एक्सपायर्ड

कितने हद तक फ्रांस इन्हें सपोर्ट कर सकता है विल फ्रांस चेंज इट स्टैंड एंड सपोर्ट अदर पीपल ये भी एक जानने वाली चीज है आगे चल के सो वॉट नेक्स्ट इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग इन चैट तो वी विल कीप एन आई ऑन दिस एंड वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दी भी खबर आएगी टिल दैट टाइम सी यू प्लीज स्टे सेफ ड्यूरिंग द पैंडेमिक जय हिंद